सहारा समूह को निवेश का पैसा दबाने पर बिहार सरकार को धमकी। यहाँ दोस्तों बिहार सरकार ने इस वक्त सहारा समूह को धमकी दी है कि यदि निवेशकों का पैसा जल्द ना लौटाया गया तो दोस्तों इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। सहारा ग्रुप को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन जमाकर्ताओं के पैसे की मैच्योरिटी पूरी हो गई है उन्हें 15 दिन के अंदर परिपक्वता राशि का भुगतान करें। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये चेतावनी एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी। बताया जाता है कि बैठक के नाम नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा समूह को कहा गया है कि पैसे लौटाने में किसी तरह की कोताही ना बरते। परिपक्वता राशि 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किए जाने पर बिहार प्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 2002 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि सहारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए राशि जमा कराकर जमाकर्ताओं का समय से भुगतान नहीं कराया जा रहा, अवधि बढ़ाने पर दबाव दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। सहारा समूह के निवेशकों और एजेंटों द्वारा मिलकर पटना में पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे भिक्षा टन आंदोलन का असर होने लगा है। बिहार सरकार ने सहारा समूह के भुगतान न करने पर FIR दर्ज कराने की धमकी दी है। ज्ञात हो कि पूरी बिहार में सहारा के निवेशक उबल रहे हैं। उनके पैसे सहारा समूह द्वारा दबा लिए गए हैं। यूपी में कई जगह तो सहारा के लोगों ने फर्जी तरीके से मिलकर निवेशकों का पैसा निकाल लिया। बिहार विधानमंडल के मानसूत्र सत्र 17वें दिन प्रश्नकाल में सूबे में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ऐलान किया कि जमाकर्ताओं की जमा राशि सहारा को के द्वारा वापस नहीं किया गया तो वह मामला दर्ज किया जाएगा। प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होने पर RJD सदस्य कुमार सर्वजीत के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अप्रैल से मई 2019 तक सहारा इंडिया के खिलाफ करीब 6,6100 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक इनमें मात्र 50% से ही कम आवेदनों का निपटारा किया है। यहाँ दोस्तों हजारों की संख्या में वहाँ पर निवेशकों के आवेदन गए और 50% उन्हें दिया गया। उन्होंने कहा कि पटना में सबसे अधिक आवेदन मिले हैं। उन्होंने सदन में बताया कि सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जमाकर्ताओं की राशि भुगतान करने को लेकर कंपनी से बात करने को कहा है। साथ ही कहा है अगर कंपनी की ओर से जमाकर्ताओं की राशि को वापस नहीं किया गया तो फिर सरकार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम जमाकर्ताओं की राशि वापस कराने के लिए एक हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान सभा में साफ साफ कहा कि सहारा समूह ने निवेशकों के पैसे वापस नहीं किया तो उन्हें उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। मोदी ने कहा कि तीन सोसाइटी सहारा इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड यूनिवर्सल सहारियन मल्टीपर्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जमाकर्ताओं के निवेश राशि प्राप्त की जा रही है। तीनों सोसाइटियां सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। निवेशकों ने जमा लेने और परिपक्वता पर राशि का भुगतान करना इन सोसाइटियों का कर्तव्य है। इनमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद बिहार सरकार अपने स्तर से निवेशकों की जमा पूंजी वापस कराने के लिए जमाकर्ताओं के हितों में संरक्षण अधिनियम के तहत पूरा प्रयास कर रही है। निवेशकों की परिपक्वता राशि नहीं लौटाने पर सहारा प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। वित्त मंत्री विधानसभा राजत कुमार सर्वजीत द्वारा पूछे गए अल्प सूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सहारा मैच्योरिटी राशि का भुगतान न होने के संबंध में शिकायतें प्राय सभी जिलों के अफसरों से मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें पटना में है। पटना जिले में कुल 3,556 निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान के लिए आवेदन दिया था। इनमें से 1,942 मामलों में कुल 18,36,51,566 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पूर्णा जिले में 13,64,000
76,000 लखीराम जिले में, 9,90,000 सारणा जिले में, 4,99,000 का भुगतान किए जाने की सूचना मिली है। अन्य जिलों में रिपोर्ट की मांग की गई है। सहारा इंडिया की ओर से निवेशकों को राशि भुगतान की संबंधित जिलों में डीएम को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए समक्ष अधिकार है। उन्होंने उनके द्वारा लगातार सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है और भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। भुगतान नहीं किए जाने पर स्थिति में सहारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2002 संशोधन अधिनियम 2013 व 2017 के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए